मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको लिए चलता हूं बाबा नीम कुरुज की अद्भुत कथा सुनाने के लिए प्रयागराज। प्रयागराज में महाराज जी फोर चर्च लेन में विराजमान है, तैयारी हो रही है, उन्हें रामेश्वरम की यात्रा करनी है। महाराज जी के अन्य भक्त हैं, रिक्शा बुलाए गए और रिक्शों का एक काफिला तैयार हो गया। पहले रिक्शा चलते थे ना, तो रिक्शे आए, रिक्शे पे दो दो लोग बैठे और महाराज जी ने जब सब रिक्शे वाले चले तो उनके पीछे अपना रिक्शा चला। महाराज जी बैठे हुए हैं, चले जा रहे रेलवे स्टेशन की तरफ। अचानक उन्हें कुछ याद आता है, भक्तों के रिक्शे आगे चलते जा रहे हैं, वो सबसे पीछे हैं और उन्होंने रिक्शे वाले को विपरीत दिशा में चलने को कह दिया। आखिर रामेश्वर की यात्रा पर निकले, वह रेलवे स्टेशन जाना चाहिए, विपरीत दिशा में क्यों चलती है? उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई भक्त पुकार रहा है और भक्तों में भी बच्चे। वो थॉर्न हिल रोड इलाहाबाद में है, उस तरफ अपना रिक्शा ले गए, एक घर में घुसे। जैसे ही वो घर में घुसे, महाराज जी के भक्त, वो घर था रवि प्रकाश पांडे का, राजीदा जी का, और ये साहब बड़े प्रसन्न हो गए सब लोग। लेकिन उस समय बच्चे कुछ मायूस थे उनके। क्यों परेशान है, ऐसा उदास क्यों है? महाराज जी के द्वारा ऐसे पूछने पर उनके दोनों बच्चों की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने राजीदा से कहा, क्यों फटकारता है इनको, क्यों मारता है, तू क्या पढ़ा लेगा इनको? हुआ क्या था कि थोड़ी देर पहले उन पर डांट पड़ रही थी, पिता पुत्र भाई डांटेंगे। तो जब उन्होंने डांटा है तो बच्चों ने बाबा नीम करू जी को याद किया कि पापा हमेशा डांटते ही रहते हैं, महाराज जी आप क्यों कुछ नहीं करते? और ये पुकार जैसे ही महाराज जी के पास पहुंची, महाराज जी रामेश्वरम की यात्रा शुरू करी चर्च लेन से, लेकिन उन्होंने वापस रिक्शा थॉर्न हिल रोड की तरफ मुड़वा दिया। महाराज जी ने बच्चों की पुकार सुनी, राजीदा साहब को बताया कि कुछ नहीं होता, आप इनको डांटो नहीं, फटकारो नहीं, समझाओ, प्यार से बताओ। और एक बात बता दें, कुछ अपने पास से नहीं होगा, करता तो वो है ना। ये बात राजीदा साहब को इतनी समझ में आ गई कि करता वो है ना। उन्होंने उस दिन से बच्चों को डांटना फटकारना बंद कर दिया। कोई बात होती तो प्यार से समझाते। और निश्चित रूप से भैया एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि बच्चों को जब भी कभी कोई बात है, कुछ बच्चे ही गलती करेंगे, तो गलती में आप प्यार से अगर आप समझा देंगे तो वो बच्चे हमेशा माने। और जहां पर डांट फटकार मार पीट उत्पीड़न ये सब कुछ चलता है, बच्चे अपने गार्जियंस को स्वीकार नहीं कर पाते कि वो हमें प्यार कर रहे हैं। और ये ऐसा होता नहीं है, बच्चे तो भगवान के बराबर होते हैं और हृदय के टुकड़े होते हैं माँ बाप के लिए, है ना। लेकिन वो केवल गाइडेंस की बात है। और गाइडेंस को किस तरह से, जैसे महाराज जी ने समझाया कि ने रवि प्रकाश पांडे को मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप भी जब कभी अपने बच्चों से बात करें तो प्यार से करें, स्नेह से करें, महाराज जी को आना न पड़े इस काम के लिए। राजीदा साहब कहते हैं कि बड़ा कष्ट रहा हमारे दिल में कि हम बच्चों को डांट रहे थे, महाराज जी धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें हमारे घर आना पड़ा। लेकिन हाँ, उसका ये पूरी जिंदगी उन्होंने पूरी जिंदगी, और वो कहते हैं इस नियम का पालन करते हुए हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने और बिना प्रतीक्षा किए हुए, बिना कोई संघर्ष किए हुए उन्हें अच्छे पद प्राप्त हो गए, अच्छी तरह से उनकी लाइफ सेटल हो गई। और यही चाहता हर पिता, आपके बच्चों की भी अच्छी तरह से लाइफ सेटल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज लेते हैं विदा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो